बैक अगेन। कैसे आप सब? तो हैप्पी नवरात्रि अगेन। अभी नवरात्रि चल रही है तो पूजा हो गया हमारा। तो सुबह जल्दी उठ जाना होता है पाठ के समय, स्पेशली बिकॉज पाठ करने में 2 ढाई घंटे पूजा में लग जाते हैं। तो बस मॉर्निंग में ही उठ के पापा के लिए ब्रेकफास्ट बना के और फिर उधर पूजा की तैयारी करके पूजा कर लिया है। और अभी मैं आई हूँ ऊपर अपना फेवरेट मोस्ट फेवरेट बनाना लेके। आई डजंट लाइक, मुझे टेस्ट नहीं पसंद है इसका, बट आई लव इट बिकॉज हेल्दी बहुत ज़्यादा। मैंने पहले भी आप लोग से बताया कि बहुत अच्छा है। लाइक इट्स बिन सेड कि एन एप्पल ईच डे कीप डॉक्टर्स अवे, तो यू कुड इंक्लूड बनाना ऑल्सो। अगर आप हर दिन एक बनाना खाइए ना, तो आपको एक अमेजिंग रिजल्ट जस्ट विद इन अ वीक आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर आप लाइम वाटर लेते हैं, तो उसके बाद आप ट्राई कीजिए। अगर आप लाइक ड्राई फ्रूट्स अगर इंक्लूड करना चाहें बनाना, यू कैन टेक इट। ताकि अगर बच्चों में भी बिजी है, कुछ करना हो, तो उसके बाद जो थोड़ा गैप है, तो आपके ऑलरेडी कुछ एक हेल्दी स्नैक्स आपके टमी में रहता है, एम्प्टी स्टमक नहीं होता है। तो बस पूजा हो गया है, तो बस आज का ब्लॉग अब यहाँ स्टार्ट करते हुए, अभी ऋषि त्रिशु सो रहे हैं तो उन दोनों को उठाऊंगी और नहाने के लिए ले जाऊंगी। तो बस चलती हूँ, उठाती हूँ, फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ मैं। चलिए नाई नाई करते। ओके ओके नहीं नहीं करना। हाँ। मेरा बच्चा यहाँ नींद में ही नहाने के लिए रेडी है ना बेटा। ना ना चीची को, चीची दीदी को बोलो लेट्स गो नाई नाई दीदी। ओ सो क्यूट। गुड मॉर्निंग बोल दो, से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, से हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि, और सभी बड़ों को क्या बोलते हैं? नमस्ते, प्रणाम, प्रणाम। तो यहाँ मेरे बच्चे रेडी है, यहाँ मेरा बेडरूम भी रेडी है। तो बस अब जा रही हूँ नीचे इन्हें ब्रेकफास्ट करवाने के लिए। चलो ब्रेकफास्ट, चलिए पहले नहीं, पहले पूजा करवा के एंड देन ब्रेकफास्ट। लेट्स गो बच्चा पाची, माय बेबी, माय गुलू मुलू, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स ब्रेकफास्ट हो गया। ऋषि त्रिशु का ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, तो अभी आई हूँ लंच बनाने के लिए किचन में। तो आज बना रही हूँ, ऑफकोर्स नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि स्पेशल लंच बनेगा, मींस लाइक विदाउट अनियन एंड विदाउट गार्लिक जो भी है। तो वो अभी लंच में आज पनीर की सब्जी बनाऊंगी। पालक क्लीन करके रख लिया है, ये रहा उधर, मैं क्लीन करके ड्रेनर में ड्रेन कर ले रही हूँ। तो वही पनीर की एंड आलू पालक की ड्राई सी सब्जी बनाऊंगी, सिंपल सी। एंड तो बस लंच की तैयारी में लगती हूँ अभी। मटर पनीर, तो उसके लिए ये मैंने फ्रोजन मटर, ये मैंने पानी में सोक करके रख दिया है अभी ढेर सारा। तो सब्जी थोड़ा अच्छे से बनाऊंगी ज्यादा अमाउंट में, ताकि दोपहर और रात दोनों में हो जाए। तो बस कढ़ाई में तेल गर्म करके यहाँ पे पहले थोड़ा सा मैं काजू ले रही हूँ और उसे फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में सब्जी है तो मैंने थोड़ा ज़्यादा काजू लिया। उसके बाद मैं टमाटर स्लाइसेस में, बड़े बड़े स्लाइसेस में कट करके इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए बस पकाऊंगी, बिकॉज़ इसका पेस्ट ही बनाना है तो ज़्यादा फाइन या छोटा टमाटर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो बस 2 मिनट तक इसे, जैसे ही ये पक जाएगा तो बस अब गैस को ऑफ करके, यहाँ मैं थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया है तो इसलिए अब बस इसे साइड करके मैं इसी कढ़ाई को बाद में यूज़ करूँगी। तो ये बस अब निकाल के और ये इसका अब एक फाइन पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो बस मैं निकाल के इसे थोड़ा सा ठंडा कर ले रही हूँ, एंड सेम कढ़ाई को अभी यूज़ करना है उसी ऑयल को। तो बस मैं कढ़ाई को अभी साइड करके रख दी हूँ, अब बस इसका टमेटो का अच्छा सा ये पेस्ट बना लेना। इसका मसाला जैसे ही रेडी हो जाएगा
यहाँ जो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल है, इस सब्जी में ज़्यादा ऑयल नहीं लगता, तो बस उसी ऑयल में मैंने गरम मसाले में दाल, चीनी और ढेर सारी छोटी इलायची का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ा सा लौंग लिया, और साथ में यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा कस्तूरी मेथी मैं लेके यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ। ये सब लो फ्लेम पे ही करना है, तो ये थोड़ा सा कस्तूरी मेथी फ्राई होने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब साथ ही साथ जो मैंने पेस्ट बनाया था मसाले का, वो मैं इसमें डाल के और अच्छे से जार को क्लीन कर लूँगी पानी से, बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा रिमेनिंग बच जाता है, तो वो भी मैं क्लीन करके अब इसमें डाल दूँगी। अब मसालों में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। या मैंने ग्रीन चिली बिल्कुल नहीं ऐड किया, अगर आप चाहें तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज़ बच्चे खाते हैं ना, तो इसलिए ग्रीन चिली मैं इसे तीखा नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। अब बस यहाँ ढक के थोड़ी देर मसाले को 1 से 2 मिनट तक अराउंड मीडियम फ्लेम पे यहाँ भून लूँगी। तो यहाँ आप जैसे ही मसाला भुन जाएगा, तो जो मैंने फ्रोज़न मटर गर्म पानी में रखा था, वो पानी को ड्रेन आउट करके अब मैं इसमें मटर ऐड कर दे रही हूँ। अगर आप चाहे तो कच्चा मटर भी ले सकते हैं, बस वो थोड़ा सा ज़्यादा पकाना होगा, लाइक 4 to 5 मिनट्स, बट सिंस ये फ्रोज़न मटर है, तो बस मैं 1 से 1.5 मिनट तक कवर करके मीडियम फ्लेम पर ये पका ले रही हूँ। जैसे ही ये मटर पक जाएगा, ग्रेवी में मेरा मिक्स हो जाएगा, अब मैं फाइनली इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ। तो पनीर को मैंने यहाँ फ्राई नहीं किया है, इससे ये ज़्यादा सॉफ्ट रहता है और टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अब फाइनली सब्जी के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैं चीनी भी ऐड कर रही हूँ। इससे चीनी से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। फाइनली अगर आप चाहे तो सब्जी को ऐसे भी खा सकते हैं, बट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर हैवी क्रीम ऐड कर रही हूँ, और हैवी क्रीम ऐड करके इसे 1 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पर मैं क्रीम को भी पका लूँगी। उससे टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप चाहे तो क्रीम ऐड करके गैस को ऑफ भी कर सकते हैं। फाइनली यहाँ सब्जी रेडी है, तो अब मैं इसे लास्ट में कोरिएंडर लीव से गार्निश कर ले रही हूँ। तो बस मटर पनीर रेडी हो गया, अभी पालक बनाऊंगी। तो एक फनी बात दिमाग में आया, ये मैंने इसमें कट करके रखा है, तो इतना सारा पालक अभी ये इसके बाद जब बन जाएगा तो इस छोटी सी कटोरी में एडजस्ट होगा, कितना ज़्यादा वो कम हो जाता है ना। तो पालक थोड़ा सा मैं आलू डाल के बनाऊंगी ताकि बच्चे भी खा सके। तो आलू पालक बनाने के लिए यह मैंने मस्टर्ड ऑयल गर्म करके उसमें ढेर सारा काला सरसों, थोड़ा सा जीरा और सूखी लाल मिर्च दिया है, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आलू पालक का। अब फाइनली जो आलू मैंने कट करके रखे थे, वो डाल के इसे हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई कर लूँगी ताकि ये थोड़ा पक जाए। एंड इसके साथ ही साथ इसे अनकवर करके जो मैंने पालक कट करके रखा था, वो ऐड कर दूँगी, और ऐड करके इसे थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें हल्दी नमक डाल के एंड यहाँ पर थोड़ा सा और पका के उसके बाद मैं फाइनली इसे कवर करके थोड़ी देर पकने दूँगी। जब तक उधर पालक हो रहा है, पालक आलू पालक हो रहा है, तब तक मैं किचन क्लीन अप कर लेती हूँ, ताकि उसके साथ अब मेरा किचन का काम अब फिनिश हो जाएगा। तो बस अब बर्तन धो के किचन भी साथ में मैं क्लीन अप करने लगी हूँ। क्या चला है दादी? वेट कर रही थी चुका। तमी हंगरी? नो नो तमी हंगरी। दादी वेट कर रही थी चुका खाने के लिए। बोलो दादी, आई एम हंगरी। टू हंगरी। खाना खिला दीजिए। प्लीज दादी। और किची दे दो, फ्लाइंग किची। लंच फिनिश हो गया है बना के, एंड मैं ऊपर आ गई हूँ, किचन भी क्लीन अप हो गया है। बस अभी लंच करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, तो थोड़ी देर में इट्स अराउंड 1:30, तो थोड़ी देर में मैं लंच करूंगी। उससे पहले अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, तो यहाँ पे ये बास्केट फुल मेरा कपड़ा भी है, कल मैंने लॉन्ड्री कर लिया था, तो आज मैं अब कपड़े फोल्ड कर लूंगी, तो ये काम भी फिनिश हो जाएगा। तो बस अब कपड़े फोल्ड करके एंड देन लंच करूंगी, एंड बच्चे ऑलरेडी लंच कर रहे हैं, तो फिर इसके बाद मिलती हूँ शाम की आरती में। इवनिंग
टाइम त्रिशु अभी सो रही है तो पूजा करने के लिए भी उठाऊंगी। गुड इवनिंग माय छोटा बेबी, पूजा करना है? नहीं करना, मामा गुदी आइए कम। और मेरे बच्चा, मामा बेबी कम कम बेटा, कम माय लव, माय लव, माय डार्लिंग, माय चुन्नू चुन्नू चुन्नू। ओ चीची तो छोड़ी, चीची बनमाच कर ली है। पूजा करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? नहीं करना है, नहीं करनी है। ओके ठीक है, नहीं करेंगे तो। अच्छा देखते ही चीबर माची कर ली, चली नीचे चलते। ओके आगो जी मामा, आगो जी, चल आ चल। भजन आरती कीर्तन सच में साथ में मिलके कीजिए ना, तो लगता है कि हाँ नवरात्रि वाली फीलिंग आ रही है कि कुछ अलग सा स्पेशल ओकेजन है। तो बहुत अच्छे से पूजा हो गया है, फिर मैं अभी आई हूँ। अब ब्लॉग आज का यही एंड करती हूँ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके मेरे रियल लाइफ शेयरिंग का हिस्सा बन जाइए। एंड स्टे हैप्पी स्टे सेफ। कमेंट में बताइएगा आपकी नवरात्रि की पूजा कैसी जा रही है। एंड जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।